हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहला बर्ड्स वर्ल्ड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और आपका घर में जो बर्ड्स है वो भी अच्छे हैं। तो मैं इस वीडियो पे आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग को पता है जैसे मेरा एक छोटा सा जावा का कॉलोनी था वो मैं तोड़ के थोड़ा सा बड़ा करके रेनोवेट किया और मैं इस साल कुछ काफ़ी सारा जावा, वाइट जावा एंड ब्लैक जावा का कॉलोनी पर ब्रीडिंग बैठाना चाहता हूँ। तो वही पेयरिंग में कुछ शॉर्ट आउट करके यहाँ पर रख दिया, जो सबको आज मैं नया जो मैं कॉलोनी बनाया उस पर रिलीज़ करूँगा, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। जो कॉलोनी है वो प्रिपेयर करने में कितना कॉस्टिंग लगा है, क्या क्या लगा है और कैसे मैं इसको बनाया, और ये सब को छोड़ के आपको दिखाऊँगा उस कॉलोनी पे। तो दिखाते दूर से ही, वो है मेरा सीधा जो दिखाई दे रहा है, ये है मेरा जावा का कॉलोनी जो मैं प्रिपेयर किया खुद हाथों से। 2 दिन लगा इसको प्रिपेयर करने में। ऊपर में मैंने लाइलॉन का नेट दे दिया, ऊपर तो एस्बेस्टर है उसके ऊपर लाइलॉन का नेट दे दिया, और इधर से मैं जाली से घेर के पूरा एकदम कॉलोनी अच्छा सा बना लिया। यहाँ पे मैं खुद ही थोड़ा सा सीमेंट वगैरह भी कर दिया, क्योंकि ये बहुत जावा जो है ये ब्रीड बहुत नहाता है, और नहाने के कारण ये डैम्प भी हो सकता है और जो लकड़ी है ये सब ये भी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा सीमेंट कर दिया। और हवा चलाचल करने के लिए यहाँ से बहुत अच्छा एक नेचर व्यू का विंडो रख दिया, बहुत बड़ा, आप लोग देख पा रहे हैं, जो ये लोग अच्छी तरीके से हवा मिल पाए यहाँ पे फ्रेश है। और इधर से भी तो बहुत सारा हवा आता है, आप लोग को पता ही है। तो वो सब जवाबार्ड्स को आज मैं पकड़ लूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा, यहाँ पर छोड़ूँगा उन लोग को, आप लोग के साथ शेयर करूँगा कितना कॉस्टिंग लगा मुझे ये वाला कॉलोनी प्रिपेयर करने में। चलिए उन लोग को पकड़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे रिलीज़ करने के बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ जावा को पकड़ लिया, जैसे आप लोग को दिखाया नया कॉलोनी पे मैं ये सब को छोड़ूंगा। तो चलिए ये सब को रिलीज़ करते हैं न्यू कॉलोनी पे, देखते हैं इतना बड़ा जगह पाके लोग कैसे रहते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं लोग को छोड़ने के बाद। फ्रेंड्स, मैं छोड़ दिया ये सबको, कुछ कुछ केस से अपने आप निकल आ गया, देखिए कितना अच्छे तरीके से उड़ रहा है, लोग को नया जगह मिला है, बहुत ही शानदार फ्लाई कर रहा है इतना बड़ा जगह मिलके। चलिए ये सबको छोड़ने के बाद आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि ये कॉलोनी प्रिपेयर करने में मुझे कितना पैसा लगा है, क्या क्या चीज़ लगा है, और अगर आप लोग को कुछ सजेशन है मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ कुछ मॉडिफिकेशन करने में अच्छा होगा, तो फिर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो इस कॉलोनी पे। मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ नीचे बैठा है और सब कोई केस से निकल गया है, इधर खिड़की पर बहुत सारा है, नीचे है, सभी जगह पे चला गया है। तो फ्रेंड्स, ये कॉलोनी मुझे प्रिपेयर करने में पूरा लगा है 2000 रुपये। जैसे मेरे पास तो नेट का रोल था बहुत सारा, आप लोग को पता है मैं बहुत सारा नेट पहले भी के जो है घर में ही बना था, तो मेरे पास नेट का रोल था, तो उसका कॉस्टिंग में अगर पकड़ भी लेता हूँ तो फिर वही 700 रुपीज़ का लगभग नेट लगा है। और वो सब छोड़ने के बाद लाइलॉन नेट एंड ये जो GI का LP नेट है ये सब मिला के 700 रुपीज़ का नेट लगा है। एंड जो वुडन स्ट्रक्चर है, ये वुडन स्ट्रक्चर जितना भी आप देख पा रहे हैं ये सब 2x1 का वुडन स्ट्रक्चर है। तो ये वुडन स्ट्रक्चर और जो हुक ये सब स्क्रू सब कुछ मिला के लगभग 1000 रुपीज़ पड़ा है। तो ऑल टोटल मेरा ये केज 1800 के अंदर पूरा कंप्लीट हो चुका है कॉलोनी। तो बताइए कुछ अगर सजेशन है कमेंट्स करके, अगर कुछ चेंजेस चाहिए, और दुआ करते हैं कि ये जावा भी यहाँ पे अच्छा रहेगा। आप लोग जब भी ब्रीड होगा, मैं तो कुछ और जावा छोड़ने वाला हूँ, तो जब भी नेक्स्ट टाइम जावा छोड़ूँगा वो तो आप लोग के साथ शेयर करूँगा, मटकी लगाऊँगा कुछ महीने के बाद, उसके बाद इसका जब प्रोग्रेस आएगा डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अच्छे रहिए और आपका बर्ड्स भी अच्छे रहेंगे, यही दुआ करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।
Thank you for watching YouTube channel Pihala Birds World.